हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं विनोद वैष्णव फिर से स्वागत करता हूँ आपका वैष्णव क्लासेज में। तो जैसा कि आप और मैं दोनों पढ़ रहे थे 5 मिनट प्रश्नावली, जिसमें हमने 5 मिनट प्रश्नावली का 5 मिनट एक प्रश्नावली भी की थी, फिर 5 मिनट दो भी की थी, जिसमें दो में हमने अंतिम पद के क्वेश्चन किए थे, और फिर अब 5.3 चल रही है। अब 5.3 में वो अंतिम पद तो वो हो गए थे, लेकिन अब इसमें 5.3 में थे योग पदों का, और पदों का योग अलग अलग तरह से थे, जिसमें मैंने 5.3 का जो पहला वीडियो बनाया था, जो दूसरा वीडियो बनाया था, और जो तीसरा वीडियो बनाया था, ठीक है, और जो मैंने अभी कल एक और वीडियो भी आया था, जिसमें मैंने 5.3 में जो जो क्वेश्चन एसएन के तहत अलग अलग प्रकार के जो पूछे जाते हैं, वो मैंने सब कुछ करवाए थे। अब आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको खुद को श्रेणी बनानी होगी। आपको कुछ अलग प्रकार के पद दे रखा होगा, जैसे कि आपको अंतिम पद का एक सूत्र दे रखा है छोटा सा, और आपको कह रखा है कि आप इसकी श्रेणी बनाओ, फिर इसका एसन ज्ञात करो, फिर वो पद ज्ञात करो, फिर वो पद ज्ञात करो। या फिर हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चनों में एसन दे रखा है, एसन का सूत्र, फिर आपको कह रखा है कि ये पद ज्ञात करो, वो पद ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको एन दे रखा है, और एन का जो सूत्र मैंने अभी बताया था वो क्या दे रखा है आपको? एन के सूत्र में आपको जो दे रखा है वो है 3 + 4n। कितना दे रखा है आपको? 3 + 4n। अब आपको ये चीज़ आपको दे रखी है, और आपको कह रखा है किस ये an, a1, a2, a3 की तरह आपको ये श्रेणी बनानी है, और कह रखा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना आपको। ठीक है, ज्ञात करते हैं अगर कह रखा है तो। अब देखो, आप सबने पढ़ा होगा एपी कैसी होती है, a1, a2, a3, और उसने 15 तक दे रखा था, हमने 15 तक लिख दिया। ये 15 पदों तक एपी ऐसी होती है। अगर मान लो कि यहाँ एन के जगह अगर मैं 1 रखूँ, a1, तो क्या होगा? 3 + 4 × 1, तो क्या आएगा? 3 + 4 = 7, ये आएगा। अगर मान लो मैं a2 रखूँ तो क्या आएगा? 3 + 4 × 2 = 3 + 8 = 11, 11 आएगा, 8 और 3। अगर मान लो मैं a3 रखूँ, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर n होता है, और n का मान जो होगा वही आगे n होगा, या फिर हमने आपको पता होगा sn में n/2 होता है, तो s1 होता है तो 1/2 होता है, s2 होता है तो 2/2 होता है, बस वही चीज़ है। 3 + 4 × 3, 3 + 12 = 15। अब अगर मान लो a 15 का पूछा है, a 15 का पूछा है, तो हम a 15 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? 3 + 4 × 15, 15 × 60 क्या आएगा? 3 + 60 = 63। अब हमारे पास एपी क्या बनेगी? एपी बनेगी 7, 11, 15, और अंतिम पद क्या होगा? 63। अब हमें किसी भी हालत में कौन सा पद पूछ रखा है? s 15, अर्थात इन सभी का योग पूछ रखा है। तो इन सब का योग हम कैसे निकालेंगे? अब इन सब का योग निकालने का सूत्र भी है हमारे पास, s 15, 15/2 कोष्टक a + l। a हमारे पास है और l हमारे पास है, तो निकालो 15/2। a का मान 7, a का मान 7 + 63। अब 7 और 63 कितना होते हैं? 70।
70 में 2 का भाग दिया कितना आएंगे, 35। 15 × 35। अब 15 को और 35 को मल्टीप्लाई कर दो, वही उत्तर आएगा 35। 15 × 15 = 30, 45 × 60 = 75। हासिल के साथ 15 × 45 = 46, 47 = 48, 49 + 50 = 51 और 52 तो क्या आएगा मान, 552। आप इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पहले में 525 क्वेश्चन का आंसर आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर पहला समझ में आया तो दूसरा भी समझ में आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ कहते हैं कि मुझे ये अंतिम पद नहीं निकालना है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन बिना अंतिम पद निकाले करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें सूत्र ये नहीं लगेगा, सूत्र कौन सा लगेगा, n/2, 2a + n-1d, वो सूत्र लगेगा, ठीक है। तो देखो दूसरे में आपको क्या दे रखा है, 9 - 5n, an का मान है 9 - 5n, an का मान है 9 - 5n। तो देखो, तो मैं a1 का मान निकाल लेता हूँ, तो a1 का मान क्या है, 9 - 5 × 1 = 9 - 5 = 4। a2 का मान क्या है, 9 - 5 × 2 = 9 - 10 = -1। a3 का मान 9 - 5 × 3 = 9 - 15 = -6, क्योंकि 15 से 5 और 10 का 1 6 हो गए, -6। तो AP हमारी किस प्रकार से चल रही है, AP चल रही है 4 - 1 - 6, ये ऐसे AP चल रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले D निकालेंगे। तो D का सूत्र क्या होगा, a2 - a1 = अब a2 का मान क्या है, -1 - फिर 4 क्या आया, -5। d का मान आ गया -5। तो s15 का मान क्या होगा, 15/2 2। a का मान कितना है, 4 × 4 प्लस n कितना है, 15 - 1, और d का मान -5। ये हो गया। अब देखो 4 × 2 = 8 और 15 में से 1 = 14। अगर मैं 2 इसमें से और इसमें से कॉमन लूँ तो 2 बार आ जाएगा, तो 2 बार आएगा तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 15 × 2/2 4 प्लस इन दोनों से कितना बचेगा, 7। अब देखो इन दोनों में से कितना बचा, 15 में से 1 = 14, 14 का आधा 7, ये रहा 7 इंटू माइनस का 5। अब फिर क्या होगा, s15 का मान 15 + 7 = 35, वो भी माइनस का। अगर माइनस के 35 में से प्लस के 4 गए तो पीछे कितने बचते हैं, -31। अब 31 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचेगा, ये 31, ये 15,
15 का 5, असल की 1, 45 और 1 46। तो एस 15 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 465। इसको आप नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा हटके है। हटके इसलिए है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप देखना। यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो प्रथम पद अर्थात S1 क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरा पद, दसवां पद और nवां पद ज्ञात करना है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एक चीज़ दे रखी है Sn का मान 11वें में, प्रथम n पदों का योग अर्थात Sn का मान, और Sn का मान हमें कितना दे रखा है n पदों का योग, n पदों का योग Sn होता है। अब Sn का मान हमें कितना दे रखा है, Sn का मान हमें दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। कितना दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, यह हमें दे रखा है। और हमें पूछ क्या रखा है, वो सब कुछ चीज़ें लिख लो। एक तो हमें पूछ रखा है A1 S1 S2 A2 उसके अलावा A3 A10 और AN, ये इतनी चीज़ें पूछ रखी है। अब आपको लग रहा होगा कि कितनी बड़ी चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, इतना सारा कैसे करेंगे। वो एकदम बहुत ही आसान है। एक मैं आपको चीज़ बताऊं तो आपने इतने क्वेश्चन किए होंगे, आपको ये तो आपको पता चल गया होगा कि प्रथम पद और प्रथम पद का योग दोनों सेम ही होता है। अर्थात मान लो मैं कोई एक एपी लिख रहा हूँ, ये एक एपी है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा एक, और इसी का ही प्रथम पद का योग भी क्या होगा एक। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि A1 और S1 दोनों सेम होते हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, समझ में गया। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि मैं S1 लिखूं तो क्या आएगा, 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 − 1 = 3। अर्थात S1 का मान 3 है, तो A1 का मान भी क्या होगा 3। A1 का मान कितना आ गया 3। अब हम इससे हम S2 निकाल सकते हैं, S2 निकालेंगे। अब S2 का मान क्या होगा, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 × 2 = 8 माइनस 4 = 4। अर्थात S2 का मान कितना है, S2 का मान 4, और S2 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 + A2, इसका मान कितना आ रहा है 4। A1 का मान हमें पता है 3, तो क्या लिखेंगे A2 = 4 − 3, A2 का मान 1। A2 का मान हमारे पास आ गया 1, A1 आ गया, A2 आ गया, S2 आ गया, S1 आ गया, ये ऊपर वाली चारों कंप्लीट। अब A3, A10 और AN निकालना है। अब आपको पता है कि हम A के चाहे कोई भी पद का निकालेंगे, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, D अर्थात सार्व अंतर की, और सार्व अंतर निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 − A1, यही होता है। तो देखो D बराबर क्या होगा, A2 − A1, D बराबर, अब A2 का मान कितना है 1, ये रहा 1, माइनस A1 का मान 3, ये रहा 3, तो D का मान क्या आ गया
माइनस का टू। अब हमारे पास डी आ गया, अगर हमारे पास डी आ गया तो हम ए थ्री का मान निकाल सकते हैं। ए थ्री का मान निकालो क्या होगा, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी। तो ए थ्री का मान, ए का मान कितना है, थ्री, थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस का टू इक्वल टू थ्री प्लस टू टू माइनस के फोर। अब फोर में से थ्री गया कितना आएगा, माइनस का वन। ए थ्री का मान माइनस का वन, ध्यान रखना ए टू का मान प्लस का वन है और ए थ्री का मान माइनस का वन है, ठीक है। यहाँ लिख दो ए थ्री। अब हमें क्या निकालना है, ए टेन। तो लिखो ए टेन का मान कितना होता है, ए प्लस नाइन डी थ्री प्लस नाइन इंटू माइनस के टू थ्री माइनस के एटीन माइनस का फिफ्टीन। अब ए टेन का मान भी आ गया। अब लास्ट और फाइनल क्या बचा, ए टेन। अब ए टेन का मान निकालो, सॉरी ए टेन तो हो गया, ए एन लास्ट और फाइनल ए एन बचा। अब ए एन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, ए एन का सूत्र क्या होगा, ए एन का सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस वन और डी। यही किया था हमने कि 10 तो यहाँ पर 9, यहाँ पर n तो n माइनस वन, यही है। तो देखो a n का मान क्या होगा, 3 प्लस n माइनस वन और d का मान माइनस का दो। 3 प्लस, अब n और माइनस का टू मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, माइनस का 2n। अब माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस का 2। अब 3 और टू मिलकर कितना होगा, फाइव माइनस का टू एन, ये होगा ए एन का मान। अब देखो ये आ गया, 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 और ये भी, और उसके अलावा ये भी। बस यही चीज़ें पूछ रखी थी, तीन चार तीन सात, सात चीज़ें पूछ रखी और सात की सात हमने निकाल ली। देखने में क्वेश्चन तो हार्ड लगेगा आपको, लेकिन ये हार्ड नहीं होगा, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पता चल ही गया होगा। 12, 13 और 14 ये तीनों क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, चाहो तो आप खुद कर लो, इसमें मुझे करवाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने अभी तक जो मैंने 11 क्वेश्चन करवाए हैं उसके तक आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आगे वाले तीनों क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। मैं देखो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि 12 क्वेश्चन कह रहा है कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो, अर्थात एपी कैसे स्टार्ट होगी, 6 से, 6 12 18 ऐसे, और अंतिम पद 40वां पद निकालना है। ए 40 का मान निकाल लो, जिसमें ए आपको दे रखा है 6, सार्वंतर दे रखा है आपको 6 और एन का मान आपको पता है 40। तो क्या करोगे, 6 प्लस 39 इंटू 6, ये आप करो, सार्वंतर आपको आ जाएगा अंतिम पद, और आप सार्वंतर वो क्या कह रहे हो उसको, एसएन का मान निकाल लो। नहीं समझे, चलो करवा देता हूँ क्वेश्चन 12वां। क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि 40 पद तक आपको ज्ञात करना है, ठीक है, और जो किससे विभाजित हो, 6 से विभाजित हो। तो अर्थात एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी आपको 6, 12, 18 ए एन, यही बनेगी आपको एपी। तो आप अगर मान लो कि 40 पद आपको दे रखा है, अगर आप अंतिम पद निकालते हो तो अच्छी बात है, नहीं निकालते हो तो भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, अगर आपके पास अंतिम पद है तो आप सूत्र लगाओ ये,
अगर अंतिम पद नहीं है तो सूत्र लगो आप ये। अब देखो, अगर मैं ये सूत्र लगाऊं तो क्या होगा, n का मान 40/2, 2a, a का मान 6, तो 2 × 6 प्लस n का मान 40 − 1 39, d का मान 6 × 6। अब देखो, अगर मान लो मैं इससे ये काटूं तो क्या आएगा, 20, 6 × 2 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 39 × 6। अगर आपको पढ़ा आता तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं आता तो डायरेक्ट कर लो, 18 और 23 234। अब 234 को 12 से जोड़ो, 44 × 2 = 46, अर्थात 20 × 246। अब 246 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 246 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 492, तो क्या होगा, 4920। यह है आपके बार बार क्वेश्चन, एकदम आसान, सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप डी का मान नहीं निकाल रहे और सीधा एन का मान निकालो, तो पहले आप अंतिम पद निकालो ए 40 का मान, फिर देख लो। अगर आप ए 40 का मान भी निकालोगे ना, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या होगा, 234 तो सीधे आपको निकालना ही पड़ेगा, इसमें आप 6 जोड़ कर 240 कर लोगे, अंतिम पद आपको यहाँ पर क्या आएगा, 240। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर 2a है, अगर 2a इसमें जुड़ जाएगा तो वो an बनेगा और an का मान 240। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 पदों का गुणन ज्ञात करो। ये 13वां क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 15 पद है और 8 से विभाजित है या फिर गुणज है, ठीक है, तो एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी 8, 16, 24, ये ऐसे एन, ठीक है। मैंने अभी बताया था इस टाइप से, ठीक है, मैंने इस सूत्र का यूज नहीं लिया, इस सूत्र का यूज लिया था। अब मैं अगर इस सूत्र का यूज लेकर अगर आपको बताऊं तो देखो, ए 15 का मान क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन और डी, तो ए का मान 8, 15 − 1, मैं ये ऐसे नहीं करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, आपको वो तो सूत्र पता ही है, ए 15, ए प्लस 14d, ए का मान 8 प्लस 14 × 8, 8 प्लस 14 × 8 कितना होता है, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 = 32, 2 8 और 3 = 11, अर्थात 112। 112 और 8 कितने होते हैं, 120, अर्थात A15 का मान 120। तो S15 का मान क्या होगा, N/2 cos 8 प्लस 120, ठीक है। अब n का मान 15, तो S15 का मान कितना होगा, 15 × 128/2, तो S15 का मान होगा 15 × 64। अब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करो और उतरा गया, अब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा, ये रहा 64, ये रहा 15, 15 × 4 = 60 का 0 हासिल की 6, 15 × 6 = 90 और 6 × 96 = 900।
ये आपके 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आप चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्या पूछा ये आपको पता होना चाहिए, और जो चीज़ आपको पूछी और इसमें क्या क्या चाहिए वो चीज़ आपको पते होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया, ठीक है, अब फिर 14-15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि गर्मी भी तेज़ है और आपको पता चल ही गया होगा मेरे चेहरे पर जो पसीना है। तो देखो कि आज 13 क्वेश्चन तक हो गए, कल 14-15 से आगे हम करेंगे, और आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें, और मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, सीखने में आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आगे से आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।